अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली और मेरे चाहने वाले चाह भी रहे शरे बाद रहे अल्लाह ताला बरकत में पूरी करें आमीन। और आज मैं लेके आया हूँ स्किन वाटरिंग टमाटो फेशियल फॉर गेट ग्लोइंग स्किन। तो बहुत अच्छा जो है ना टमाटो फेशियल है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। तो आप लोग भी इस तरह जो है ना फेशियल कर सकते हैं और इसमें 3 स्टेप होंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। तो न्यू आने वाले को वेलकम करते हैं, न्यू आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके मुक्के मारें, उसे अंगूठे से करें या फिर इसे फिंगर से करें, कुछ भी करें, बस चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और घंटी भी प्रेस हो जानी चाहिए। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं पुराने, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो सपोर्ट कर रहे हैं और लाइक मेंट्स कर रहे हैं। तो मैं इस हेल्पफुल वीडियो लेकर आता हूँ कि आप लोगों के काम आ सके, तो इसलिए आज की है वीडियो भी बहुत हेल्पफुल है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो मैं आप लोगों को ट्राई करूँगा। फिर स्टार्ट करते हैं जी, आप लोग भी कह रहे होंगे स्टार्ट नहीं करता। तो ये है चिप टमाटो, तो इसका सबसे पहले करनी होगी हमें क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के बाद हमने करूँगा स्क्रब्स, स्क्रब के बाद हम लगाएंगे मास्क। तो 3 स्टेप हैं इसमें। तो सबसे पहले आपने टमाटो ले लेना है, टमाटो को आपने कट कर देना है दरमियान में से, इस तरह से आपने कट कर लेना है। तो ये देखें, ये दो पीस जो ना बन चुके हैं। तो इसको अब कैसे 3 स्टेप में करेंगे वो अब आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप ले लें एक प्लेट और एक ले लें रेज़र। रेज़र की मदद से इसका करेंगे चॉप, तो मैं इसे चॉप करके दिखाता हूँ। तो उसे मैंने अच्छे से जो चॉप कर ली, इस तरह के रेज़र से आप भी चॉप कर सकते हैं। तो ये देखें इसका पेस्ट जो ना बन चुका है। 1 टेबल स्पून ये टमाटो का जो ना पेस्ट मैंने बना लिया। एक बॉल लेंगे, उसमें लैदा से इसे ऐड करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट इसे अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप देख, जैसे कि मैं कह रहा था कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। 1 टेबल स्पून ये टमाटो का मैंने गूदा ले लिया, तो उसमें मैं 1/2 टेबल स्पून जो है ना वो ऐड कर रहा हूँ योगर्ट। इसे अच्छे से दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी क्लिनजिंग करेंगे, तो मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा कि आप लोग भी इजी से जो है ना काट सकें। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो बालों को मैंने पेंट लिया, तो अब आपने करना है हाथ की मदद से इसकी क्लिनजिंग जो है ना होगी। तो पूरे अच्छे से आपने इसे जो है ना क्लिनजिंग करनी है, तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए इसकी क्लिनजिंग करनी है। इससे क्लिनजिंग से ये होगा कि आपकी स्किन पर अगर डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो या फिर आपकी स्किन पर ऑयल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये गहराई तक जाएगा और आयर को कंट्रोल करेगा और स्किन के तमाम इशू को जो है ना ख़त्म करेगा। तो टमाटर फीचर बहुत ज़बरदस्त है, तो आप लोग भी कीजिएगा या आपके किचन में भी होंगे। तो मैं इसे क्लिनजिंग करके तो फिर वॉश आउट करके नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से क्लिनजिंग कर लिया। क्लिनजिंग से बहुत जो है ना स्किन बेस्ट होती है। जैसे मैं वॉश आउट करके ना, तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप जो है ना बताता हूँ। नेक्स्ट 2 स्टेप अभी और भी हैं। तो वॉश आउट कर दिया है, तो क्लिनजिंग हमारी हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब के लिए हम चाहिए टमाटो। टमाटो के ऊपर हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर ये जो हम चाय में ऐड करते हैं वो मैंने ऐड की है। इसे आपने रफ करना है हल्के हाथ से, फेस पर रफ करना है। थोड़ा सा टमाटो को दबाते जाएंगे, रफ करते जाएंगे, तो ये अच्छे से क्लिनजिंग आपकी हो जाएगी। इस क्लिनजिंग के ये होगा कि आपकी स्किन में जो डेड स्किन सेल है वो रिमूव होंगे और स्किन के पोर्स जो है ना वो उनसे ऑयल जो है ना निकल जाएगा और आपकी जो पिगमेंटेशन है वो भी कंट्रोल होगी। तो इसे ही मैं 5 मिनट के लिए स्क्रब करूँगा। स्क्रब के बाद मैं वॉश आउट करके तो फिर लास्ट स्टेप भी आप लोगों को साथ। तो सबसे पहले क्लिनजिंग थी और स्क्रब भी जो ना हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो लास्ट स्टेप ये है कि हमें ये करना होगा, फिर से हमने लगा रेजर, तो जिससे हमने स्क्रबिंग की थी उसे हम जो है ना मैच करेंगे और इसका आप जो है ना रेडी करेंगे। तो मैं रेडी करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका गूदा जो है ना निकला है, तो ये मैं अब मास्क करने लगा हूँ। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने जो है ना रेडी कर लिया। इसे एक खाली बोल में आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद 1 खाने का स्पून इसमें जो है ना वो जाएगी मुल्तानी मिट्टी, 1 खाने का स्पून गई है। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून इसमें जो है ना योगर्ट वो ऐड करेंगे। ये आप समझ लें कि मैं फेस पैक जो है ना बना रहा हूँ, टमाटो फेस पैक जो है ना समझ लें। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करके तो अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। तो
ये अच्छे से रेडी हो चुका है, तो आपने इसे अप्लाई करना है। तो मैं इसे अच्छे से सारा अप्लाई करके तो आप लोगों को नेक्स्ट टमाटो फेस पैक को मैंने अच्छे से देख अप्लाई कर दिया। तो ये देखें, तो इसे जो है ना आपने छोड़ना है 20 to 5 मिनट तक आपने अपने फेस पर जो है ना छोड़ना है। तो उसके बाद जो है ना आपको अपनी मनपसंद ग्लोइंग स्किन जो ना मिलेगी। इससे टमाटो फेचर से ये होगा कि आपकी स्किन पर जो अगर एक्ने है, डार्क स्पॉट है, या फाइन लाइन्स हैं, या फिर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, आंखों के स्याह हल्के हैं, या फिर ऑयल कंट्रोल नहीं हो रहा स्किन का, ये या फिर एक्ने का बहुत ज़्यादा मसला है, इन तमाम इश्यूज़ के लिए ये टमाटर जो है ना मैं आप फेशियल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कीजिएगा। तो मैं इसे ड्राई होने के बाद जो है ना वॉश आउट करके आप लोगों को फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं जो है ना वेट करूँगा, तो उसके बाद मैं हाथ पे भी जो है अप्लाई कर लूँगा, फिर मैं आप लोगों को वॉश आउट करके ना फाइनल जो है रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। 20 to 5 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने हाथों पर भी लगा दिया था। तो अब मैं ऐसा करूँगा कि आप लोगों को वॉश आउट करके तो फाइनल लुक जो है दिखाऊँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं अभी वॉश आउट करके तो फिर फाइनल लुक आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनल लुक। तो मुझे बहुत सर्दी लगना स्टार्ट हो गई जब मैंने ये गले में मफलर लगाया है, और मैं ये ग्लव्स जो है ना पहन रहा हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त है टमाटो फेशियल, आप लोग भी जो है ना कीजिएगा, तो इसी तरह ग्लोइंग एंड वाइट स्किन जो है ना आप लोग पाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग था इसकी क्लिनजिंग स्क्रबिंग, और ये टमाटो मार्क से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई भी मसला है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने का और लाइक कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।